ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। शाम देखो कितना बढ़िया हो रहा है। एंड हियर इज़ माई बाइक। बाइक थोड़ी गंदी हो गई है, थोड़ी नहीं बहुत गंदी हो गई है। सो इसमें ना बहुत कुछ जो है चेंजेस है, मतलब कि बहुत कुछ है जो कि स्टॉक नहीं है। उन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और इसमें क्या क्या है आई विल टेल यू। ऑफ कोर्स चलते हुए बात करेंगे सबके बारे में, बट क्या क्या चीज़ें हैं जो स्टॉक नहीं है जाने देते हैं पहले इसको। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले ये इसके फ्रेम स्लाइडर्स अभी नया लगाया है मैंने। इसका वीडियो जो है अवेलेबल है, ऊपर लिंक आ रहा होगा। द टायर्स आर बिगर 140 सेक्शन टायर अपोलो अल्फा S1 एंड देन दीज फ्लैशर्स इंडिकेटर्स, ये डोमिनार के हैं, ओरिजिनल है। एंड देन द स्प्रॉकेट्स, स्प्रॉकेट अभी गंदा हो गया है बारिश के कारण, अदरवाइज इफ़ यू हैव अ लुक इट्स अ ब्रास स्प्रॉकेट। सो दीज आर द चेंजेस, और भी छोटे मोटे चेंजेस हैं बट यार दीज आर द मेन चेंजेस, सबके बारे में बताऊंगा। और ये जो भी चेंजेस है ना, ये बिल्कुल मैंने कॉस्मेटिक वे में नहीं किया है। ये चेंजेस जितने भी हैं सबका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है इन रियल लाइफ, एंड इससे मुझे क्या हेल्प मिला, क्या बेनिफिट मिला, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट माइलेज में क्या इम्पैक्ट आया नहीं आया, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, चलिए फिर। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले और ये जो मैंने स्प्रॉकेट बताया ना, इट्स नॉट ओनली अ ब्रास स्प्रॉकेट बट अ बिगर इन साइज स्प्रॉकेट। सो मैंने स्टील छोड़ के ब्रास तो लगा लिया, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये स्प्रॉकेट थोड़ी सी बड़ी है, मतलब कि RS 200 की स्प्रॉकेट लगी हुई है। अब बताता हूँ बेनिफिट्स सारे चीज़ों का, प्रोज एंड कॉन्स भी बताता हूँ सारे चीज़ों के। यहाँ बाइक नहीं लगा सकते ना? नहीं, बहुत ज़्यादा घास हो गया है। शायद अभी ना ये लोग टिकट चार्ज करने लगे अंदर जाने का, मुझे नहीं पता, बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। पहले चेक कर लेते हैं फिर आते हैं टॉपिक पर, पहले मैं चेक कर लूँ। नहीं, दे विल नॉट चार्ज यू, निकल जाएंगे। हाँ, हमें तो रुकना नहीं है, ठीक है। सो अगर निकल जाएंगे तो इट्स फाइन, और हमें निकल ही जाना है, बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर तो लोगों ने बाइक वाइक लगाया हुआ है यार, फिर बाहर क्यों है पार्किंग? डजंट मेक सेंस। पानी बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सारी बारिश के बाद। ऑलराइट, चलो ज़्यादा बकवास नहीं, सीधे वीडियो पर आते हैं। हाँ, तो सबसे पहला जो चेंज है बिगर स्प्रॉकेट, उसके बाद ब्रास के बारे में बताऊंगा। सो बिगर स्प्रॉकेट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके बाइक को ना टॉर्क ज़्यादा मिलती है, आपके बाइक को एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलती है। तो इस बाइक का जो एक्सेलरेशन है वो ज़बरदस्त हो गया है, मतलब मेरे दोस्तों ने भी चलाया और उन्होंने भी बताया कि यार दिस बाइक मेक्स यू टू पुश इट मोर एंड दिस ऑल्सो गोज मोर, मतलब थोड़े से में ही इनका रिस्पॉन्स जो इस बाइक का बहुत अच्छा होता है। एंड 0 to 100 इज क्विकर एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज अर्लियर। सो ये होता है बिगर रियर स्प्रॉकेट का एडवांटेज। डिसएडवांटेज की अगर बात करूँ तो डिसएडवांटेज है कि इसकी टॉप स्पीड कम हो गई है। तो जहाँ मेरा जो है इनिशियल अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, इसकी टॉप स्पीड बहुत कम हो गई है। मतलब पहले जो ये 150 ईजिली चली जाती, ईजिली तो नहीं बट 150 चली जाती, अभी ये 150 नहीं जाएगी। तो अभी इट विल लिमिट इटसेल्फ टू 137, 140 और वहाँ पे ये रेड लाइन होने लगेगी। तो ये प्रॉब्लम है बिगर स्प्रॉकेट का। लेकिन हाँ, अगर कहा जाए मैं बिगर स्प्रॉकेट ही प्रेफर करूँगा, बिकॉज देखो यार NS जैसी बाइक में या फिर कोई भी हो, टॉप स्पीड का इस्तेमाल कम ही है यार। कितना ही बार मैं हाईवे पे निकलूंगा और जितना ही बार निकलूंगा कितना ही बार मैं इस पे टॉप स्पीड मार पाऊंगा, तो टॉप स्पीड का जो ज़रूरत है ना ये कम पड़ता है। एक दो बार थोड़े ड्रैग हो गए दोस्तों के साथ तो उसमें येस थोड़ा टॉप स्पीड में आप मार खा जाओगे, बट दैट्स फाइन। बट जो रियल फन है ना, आपको ये अच्छी एक्सेलरेशन में मिलती है सिटी के अंदर, जो मुझे मिलती है इसमें, एंड आई एम हैविंग फन। See this. So, इसका जो acceleration है किसी भी stock NS से बहुत बढ़िया है। So, yeah, that's the benefit you have. But again, as I said, इसका top speed कम हो जाएगा। Now, coming to the brass part. Brass का ही मैंने क्यों लगाया, steel क्यों नहीं लगाया? तो देखो brass में क्या है ना, brass में फालतू का noise नहीं है। Steel जो sprockets हैं, खासकर NS में और Pulsar में, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि chain का ना noise बहुत आता है। But after installing brass, ये जो noise है ये खत्म हो गया है दोस्त, एकदम खत्म। तो अब हमें noise नहीं मिलता है brass का, मतलब noise नहीं मिलता है chain sprocket का। Also, the maintenance of brass is much more easier than that of a steel. Because steel में क्या होता है ना, rusting का problem होता है, monsoon में तो और भी problem है, लेकिन brass का ऐसा नहीं है। Brass को आप आराम से maintain करो, थोड़ा time के बाद आप उसको lube करो, it's fine. Brass जो है वो ले लेगी और rust भी नहीं होती। सबसे बड़ा advantage तो वही है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, but थोड़ा सा, लेकिन उतना पैसा आपका maintenance के cost और effort में ही बच जाता है, समझो। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, विच इज़ बिगर टायर। नाउ बिगर टायर से क्या होता है, मुझे
काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है बाइक का और मुझे कॉन्फिडेंस भी मिलता है। MRF के जो टायर्स थी 130 सेक्शन 130/70 उसपे ना नो डाउट द टायर इज गुड बट नॉट एज गुड एज दिस वन। सो इसमें आपको 140 सेक्शन का रेडियल टायर मिल जाता है एंड दैट टू 140/60। दैट मीन्स टायर की जो हाइट होगी वो थोड़ी सी कम होगी एज कम्पेयर्ड। सो इसमें आपको कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है और आपको कॉन्फिडेंस भी कॉर्नर में बहुत आता है। और ये मैंने खुद ही फील किया, ये मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझे फील हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। कॉर्नर में मतलब मज़ा आ जाता है। अब मैं उतना कॉर्नर करता नहीं हूँ। कहा जाए परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क नहीं है दोस्त, क्योंकि ऑफकोर्स वो जो टायर है 130 सेक्शन वो ग्राउंड को थोड़ा कम टच करती है, ये वाली ग्राउंड को थोड़ा ज्यादा टच करती है। तो आप सोचोगे परफॉर्मेंस में फर्क आएगा, शायद 19-20 का फर्क हो, मुझे तो नहीं पता चला। माइलेज ड्रॉप होता है, ठीक है, माइलेज एक दो यूनिट तो ड्रॉप होगी। प्लस मेरे पास RS 200 का स्प्रॉकेट है, वहां का एक दो यूनिट ले लो। तो मुझे जब इन दोनों चेंजेस के पहले NS पे मेरे जो माइलेज मिलती थी वो 40 के ऊपर मिल जाती थी इजिली, बिकॉज आई मेंटेन इट वेरी वेल। हमेशा चेन जो है ल्यूप रहता है, टाइमली क्लीन करता हूँ, टाइमली सर्विस, गुड क्वालिटी इंजन ऑयल, फुली सिंथेटिक। सो इन सब के बाद मुझे आराम से 40 के ऊपर का माइलेज मिल जाता था। अभी जो है मुझे जो माइलेज मिलती है ये 35 के आसपास मिलती है। अगला जो मॉड है उसके बारे में अगर बात करूँ तो वो है इंडिकेटर्स। वेल, दिखने में अच्छे लगते हैं, क्यूट क्यूट शब्द सही नहीं होगा बट दिखने में अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू दैट वन। क्योंकि NS में जो यार बाई स्टॉक जो मिलता था ना पहले, वो बल्ब वाला, वो अच्छा नहीं लगता है फॉर अ बाइक लाइक NS। कम ऑन, RS में आप लोग LED देते हो और NS में बल्ब मिलता है, तो अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए ना मैंने लगा लिया LED। नाउ LED ऑफकोर्स लुक्स गुड, गोज विथ NS। देख के आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ अलग सा लगा हुआ है, मतलब इट सूट्स NS, ऐसा है। माइलेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है क्या ही इम्पैक्ट होगा माइलेज पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज फ्रेम स्लाइडर। ये एक ऐसा चीज है ना जो बहुत लोग मेरे से अग्री करेंगे, बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है ये मोटो टॉर्क है उसका आता है नॉट फ्रेम स्लाइडर बट लेग गार्ड, इंजन गार्ड, क्रैश गार्ड। सो वो पूरा आपके इंजन के पार्ट को ना कवर करता है और थोड़ा सा फ्रेम को भी कवर कर लेता है। लेकिन मैंने फ्रेम स्लाइडर इसीलिए लिया बिकॉज मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि इतना सारा कुछ कवर हो जाए यार। क्योंकि एक नेकेड बाइक की जो एस्थेटिक्स है ना वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कम हो जाती है इतने तामझाम के बाद। आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट दैट बट दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। सो मुझे वो नहीं चाहिए था इसीलिए मैंने लगा लिया फ्रेम स्लाइडर। एंड ट्रस्ट मी, दिस बैड बॉय लुक्स गुड और ये स्टर्डी भी है। सो दिस इज़ फ्रॉम मोटो अग्रैंडाइज और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और इसका वीडियो भी ऊपर कहीं आ रहा होगा। ऑफ कोर्स एज आई सेड अर्लियर, डिस्क्रिप्शन में भी इसके वीडियो का लिंक दे दूंगा, सो यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया है, इंस्टॉलेशन एंड ऑल एवरीथिंग। सो दिस वन लुक्स गुड टू मी एंड ऑफ कोर्स दिस विल प्रोटेक्ट माय बाइक इन इवेंट ऑफ अ क्रैश, अनलाइकली इवेंट ऑफ अ क्रैश, बिकॉज सी इफ इसका जो टैंक है टैंक से हल्का सा बाहर आता है ये। सो आई होप इट प्रोटेक्ट्स, आई एम नॉट श्योर कितना बट आई होप इट डज बिकॉज इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं एंड yeah, that's how it is. So यही छोटे छोटे mods है मेरे बाइक में और cosmetics मैंने कोई खास mod कराया नहीं है because I do not like cosmetic mods. कल को शायद पसंद आए तो करवा भी लूँ but अभी के लिए मैं इतने से खुश हूँ। सो जितने भी है मैंने यू नो प्रैक्टिकल चेंजेस कराए, और भी कुछ कराया मुझे याद नहीं आ रहा है। लेट मी थिंक, नहीं बाकी सब स्टॉक है। ऑलराइट गाइस, आई गेस इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स एज पर माय एक्सपीरियंस और एनीथिंग रिलेटेड टू NS, आई विल मेक अ वीडियो। एंड ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये भी जरूर बताना। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब।